आज सुबह मोदी जी ने जनता के सामने फिर एक आह्वान किया, सबके सामने आए और एक रिक्वेस्ट फिर की, जैसा वो ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं और अपने ट्वीट के जरिए ऑलरेडी कई बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन बनाए रखिए, 100% नहीं हो पा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए। और इसके लिए उन्होंने फिर अपील की है कि यूनिटी में आए और एक फिर से एक वैसा ही प्रदर्शन फिर से किया जाए सबके साथ, एक साथ मिलके, और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं एक साथ बिना भेदभाव के। तो मोदी जी ने अपील की कि रात को 9 बजे, 5 अप्रैल की रात को 9 बजे, 9 मिनट के लिए, सिर्फ 9 मिनट के लिए, जो वो तो एक्सटेंड हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो 9 मिनट के लिए दिया जलाइए, टॉर्च लैम्प जो समझ में आए। बेसिकली उनका कहना कुछ और था, वो डायरेक्टली नहीं कहना चाहते थे, फिर वो लोग क्योंकि क्रिटिक्स बहुत बैठे होते हैं ना, सबको दिक्कत होती है, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी ने, अब उनका स्टैंड कांग्रेस का स्टैंड अगर माना जाए, क्योंकि सोनिया गांधी का स्टैंड भी यही है, उनको लगता है कि सफल नहीं हुआ लॉकडाउन और बहुत देर कर दी, बजाय इसके कि आपको रिपोर्ट दिख रही होगी, एक आर्टिकल दिख रहा होगा कि WHO ने कैसे प्रेस किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस की इंटेलेक्ट और इस सिचुएशन को समझने की इंटेलेक्ट किसी एक इतनी बड़ी संस्था से, वर्ल्ड लेवल की संस्था से ज़्यादा है क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट में। वो लोग कभी एक साथ एक जगह बिना पॉलिटिक्स छोड़े आ ही नहीं सकते, ऐसा मुझे फील हुआ इस माहौल में, सबकी शक्ल दिख गई, सबके सारे चेहरे दोहरे चेहरे दिख गए। खैर अब आते हैं अपील पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए, पीछे का मकसद नहीं बताया, क्या नहीं बताया, क्या नहीं। मेरा अपना ये तर्क है, मेरी अपनी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि मोमबत्ती ना जलाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जलाना हो तो जला लें, चाहे लाइट फ्लैश टॉर्च कुछ भी, अगर ये करना तो भले कर लें इंस्टेड ऑफ मोमबत्ती। मैं चाहता हूँ कि दिया जलाया जाए, दिया शुद्ध घी का, देसी घी का या कड़ू तेल का या कैसा भी, इन दोनों में से, ताकि इनसे, क्योंकि इनका एक साइंटिफिक, आप मुझे पता है बहुत लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, और जो लोग गांव से हैं, जो लोग पुरानी चीज़ों को मानते हैं और इसके पीछे का साइंस समझते हैं, कि क्योंकि ये चीज़ें 1918 में प्रैक्टिस हुई थी जब प्लेग का माहौल चल रहा था, कुछ लोगों ने की, बड़े लार्ज की दुकानी थी, कुछ लोगों ने किया था, जैसे दिवाली में सजाते हैं, आप मान के चलिए दिवाली है, भारत के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो इसको फेस्टिवल की तरह मनाइए, क्योंकि आपको इससे कुछ स्प्रेड नहीं करना है, लिमिट में करना है, घर पे रह के करना है, इसमें आपको एक खुशी का एहसास भी होगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि घर पे बैठ के आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल करिए, खुशी से करिए, पूरे मन से करिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों स्पेसिफिकली दिए पे पॉइंट आउट किया कि देसी घी का जो दिया आप जलाएंगे, वो दिया वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, कम मात्रा में चाहिए लेकिन ऑक्सीजन ही छोड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस दिए में से जो भी चीज़ें निकलती हैं ऑक्सीजन के अलावा, जो भी केमिकल, जो भी चीज़, क्योंकि हर मतलब आग में से कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो वातावरण में या तो प्रदूषित करते हैं, लेकिन दिए में से जो चीज़ें निकलती हैं उससे बैक्टीरिया मरते हैं। अब चाहे हो सकता है कि मोदी ने यही लॉजिक लगाया हो, लेकिन अगर वो मोदी ये बोल देते कि दिया जलाने से बैक्टीरिया मरता है तो इसका बहुत बड़ा विवाद हो जाता, ऑपोजिशन मार डालता है, सारी चीज़ें एक तरफ, देश की सुरक्षा एक तरफ, पॉलिटिक्स एक तरफ, और जो जो ये करेगा जाहिर सी बात है फोटोज लेगा, वीडियोस लेगा। मैं चाहता हूँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपकी इच्छा हो और दिखाना चाहें तो जरूर उसको फोटोज भेजिएगा मुझे, जो भी हैंडल से जहाँ भेज सकते हैं भेजिएगा, मैं जरूर देखूंगा। और कमेंट बताओ कि कौन कौन किस लेवल पे क्या क्या करने वाला। मैं चाहता हूँ कि देखूँ कि कितनी जनता एक्टिव है, कितना समझ रही है, कितना स्प्रेड कर रही है, कितना ये सक्सेसफुल होने वाला है, और सब हमारे देश के लिए हो रहा है, करने में कुछ ऐतराज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। जो लोग बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, छोटे लेवल पे करो ना, यही बहुत है। जो इंसान समय पे काम आ जाए देश के या किसी के, बस वही बहुत है। फ्यूचर में क्या करते हो तो किसी ने नहीं देखा फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट में जब जरूरत है तब काम आ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।